अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट, आज मैं आपके लिए एक्सरसाइज नंबर 4.2 लेके आया हूँ। 4.2 एक्सरसाइज को सॉल्व करने से पहले हम इसके कुछ फार्मूलाज देख लेते हैं। फर्स्ट फार्मूला है हमारे पास अर्थमेटिक मीन। अर्थमेटिक मीन आपने मालूम करना है तो आपके पास अर्थमेटिक मीन का फार्मूला है ए प्लस बी डिवाइडेड बाई टू। लेट ए एम बिटवीन, बच्चों ए और बी के दरमियान में वैल्यू जो आएगी वो अर्थमेटिक मीन है, ए एम कॉमा बी। अब बच्चों हमने डी निकालना है तो हमारे पास क्या होगा, जैसे हम डी निकालते हैं ए टू से ए वन को माइनस करते हैं, अर्थमेटिक मीन माइनस ए, डी इक्वल टू दूसरा डी निकाला है बी माइनस ए एम। अब बच्चों दोनों तरफ डी आ रहा है, डी इक्वल टू डी हमने की है, ए एम माइनस ए इक्वल टू बी माइनस ए एम। अब बच्चों अर्थमेटिक मीन को उठा के इधर ले आए और ए को उठा के दूसरे साइड ले आए, अर्थमेटिक मीन इक्वल टू बी प्लस ए टू, अर्थमेटिक मीन इक्वल टू बी प्लस ए। अब दोनों पॉजिटिव है तो हम पहले ए ले सकते हैं, अर्थमेटिक मीन इक्वल टू ए प्लस बी डिवाइडेड बाई टू, ये फार्मूला आपका प्रूव हो गया। अब अच्छा नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेक्स्ट फार्मूला है हमारे पास अर्थमेटिक सीक्वेंस। अर्थमेटिक सीक्वेंस का क्या मतलब है, बाई डेफिनेशन अर्थमेटिक मीन कॉमन डिफर ए एम ए एन इक्वल टू ए वन प्लस एन माइनस वन डी। अब बच्चों आपको पता है कि एन जो है वो जो हम वैल्यू निकालेंगे वो होगा, अब हमने ए टू निकाला है तो ए वन प्लस टू माइनस वन इक्वल टू वन डी। तो बच्चों ए थ्री निकाला है तो ए टू प्लस टू डी आ जाएगा, क्योंकि डी प्लस डी आपका टू डी आ जाएगा। एग्जाम्पल है इसकी बच्चों, जिस तरह 5, 9, 13 और 17 है, डी आपने निकालना है 9 माइनस 5 इक्वल टू 4, 13 माइनस 9 इक्वल टू 4 और 17 माइनस 30 इक्वल टू 4। ये किस तरह है, दूसरे में से पहले को माइनस किया आपने 4 आ गए, तीसरे में से दूसरे को माइनस किया तब भी 4 आएगा, चौथे में से तीसरे को माइनस करेंगे तब भी 4 आएगा, क्योंकि इनका कॉमन डिफरेंस जो होता है वो जिस से मर्जी निकाले तो सेम आता है। एक्सरसाइज की तरफ फर्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, फाइंड द फर्स्ट 4 टर्म्स, ए इक्वल टू 4 डी इक्वल टू 3। हमने अर्थमेटिक मीन का फार्मूला लगाया ए एन इक्वल टू ए वन प्लस एन माइनस वन डी। अब ए वन निकालना है तो आप ए वन की वैल्यू पुट करेंगे 4 प्लस एन की वैल्यू 1 माइनस 1 मल्टीप्लाई 3, तो ये 0 होगा, वो 3 को 0 कर देगा, हमारा 4 आ जाएगा, क्योंकि ए वन हम मालूम नहीं करते, तो क्योंकि ए वन को खुद दे रहा होता है ए वन इक्वल टू 4। ए टू मालूम करेंगे, ए टू का फार्मूला है हमारे पास ए वन प्लस डी, ए टू इक्वल टू 4 प्लस डी हमारा आया बच्चों 3, उसने दिया हुआ है 4 प्लस 3 इक्वल टू 7। ए थ्री आपके पास ए वन प्लस 3 माइनस 1 डी। अब 3 माइनस 1 क्यों है, एन हमारा 3 है तो इसलिए एन हमारा 3 आया माइनस 1 डी, तो ए थ्री इक्वल टू ए वन हमारा 4 है प्लस 3 माइनस 1 2 मल्टीप्लाई 3, ए थ्री हमारा 4 प्लस 2 मल्टीप्लाई 3 6 इक्वल टू 10, ए फोर इक्वल टू ए वन प्लस 4 माइनस 1 डी, ए फोर इक्वल टू 4 प्लस 3 मल्टीप्लाई 3, ए फोर हमारा आ गया 4 प्लस 9 इक्वल टू 13। हैंस हमारे पास इसका आंसर आ गया, क्योंकि पहला उसने खुद दिया हुआ था 4, 7, 10, 13। क्वेश्चन नंबर 1 का पार्ट 2 है, ए इक्वल टू 7 डी इक्वल टू 3। ए वन फिर हम मैंने फाइंड करके आपको बता दिया, ए वन इक्वल टू 7 प्लस 1 माइनस 1 मल्टीप्लाई 5, ये 0 मल्टीप्लाई 5 होगा ये 0 हो जाएगा, इक्वल टू 7 आ जाएगा। ए टू इक्वल टू ए वन प्लस एन माइनस 1 डी, अब एन हमारा 2 है, 2 माइनस 1 इक्वल टू आपका 1 आएगा मल्टीप्लाई 5, 7 प्लस 5 इक्वल टू 12। ए थ्री इक्वल टू 7 प्लस 3 माइनस 1 5 डी जो है आपका वो 5 पर 2 है, ए थ्री इक्वल टू 7 प्लस 2 मल्टीप्लाई 5 इक्वल टू 7 प्लस 10 इक्वल टू 17। ए फोर इक्वल टू 7 प्लस 4 माइनस 1 3 मल्टीप्लाई 5, ए फोर इक्वल टू 7 प्लस 3 मल्टीप्लाई 5 इक्वल टू 7 प्लस 15 इक्वल टू 22। हमारे पास इसका आंसर आ गया 7, 12, 17 और 22। पार्ट 3 है हमारे पास, ए वन है हमारे पास 16 और डी है हमारे पास माइनस 2। अब हमने ए वन मालूम नहीं किया, क्योंकि ए वन की वैल्यू खुद देर है, ए टू है हमारे पास ए वन प्लस 2 माइनस 1 मल्टीप्लाई डी, अब 2 माइनस 1 डी की जगह हमने माइनस 2 पुट कर दिया, ए टू हमारे पास 16 आ गया प्लस ये 2 माइनस 1 1 और मल्टीप्लाई माइनस 2, ए टू इक्वल टू 16 माइनस 2 इक्वल टू 14, ए थ्री इक्वल टू ए वन प्लस 3 माइनस 1 मल्टीप्लाई डी आपका माइनस 2, ए थ्री इक्वल टू 16 प्लस 2 मल्टीप्लाई माइनस 2, ए थ्री इक्वल टू 16 माइनस 4 इक्वल टू 12, ए फोर इक्वल टू 16 प्लस 4 माइनस 1 मल्टीप्लाई माइनस 2, ए फोर इक्वल टू 16 प्लस 3 मल्टीप्लाई माइनस 2, ए फोर इक्वल टू 16 माइनस 6 इक्वल टू 10।
हैंस फॉर्मूला आ गया हमारे पास 6, 14, 12 और 10 अप टू सो ऑन। पार्ट फोर है हमारे पास A1 38 है, A4 D हमारे पास -4 है। A2 मालूम करना है, A1 + n-1 D, A2 = 38 + 2-1 × -4, A2 = 38 + 1 × -4, A2 = 38 - 4 = 34, A3 = A1 + n-1 D, A3 = A1 हमारा 38 दिया हुआ है, 38 + 3 - 1 × -4, A3 = 38 + 2 × -4, A3 = 38 - 8 = 30, A4 = A1 + n-1 D, वही फार्मूला, A4 = 38 + 4 - 1 × -4, 38 + 3 × -4, A4 = 38 - 12 = 26। हमारे पास वैल्यू आ गई है 38, 34, 30 और 26। अब बच्चों इसका पांचवा पार्ट है, A1 हमारे पास 3/4 है, D हमारा 1/4 है। हमने फार्मूला लगाया A2 = A1 + n-1 D, तो A1 हमारे पास 3/4 है प्लस 2-1 हमारा 1 आ गया मल्टीप्लाई 1/4, A2 3/4 × 1/4 ये आपका आ जाएगा LCM 4/4 = 1, A3 = A1 + n-1 D, A1 आपका 3/4 है प्लस 3-1 D आपका 1/4 है। आप 2 × 1/4 ये कटिंग करेंगे आप तो आपका आ जाएगा 3/4 + 1/2, LCM लेंगे इसका 4 आएगा, 3 + 2 आपका 5/4 आ गया। A4 = A1 + n-1 D, A4 = A1 हमारा 3/4 है वो पुट किया प्लस 4-1 × 1/4, 3/4 + 3 × 1/4 ये आपका आ जाएगा 3/4 + 3/4, LCM लिया 3 + 3/4 = 6/4 = 3/2, हमारे पास आंसर आ गया इसका 3/4, 1, 5/4 और 3/2। पार्ट सिक्स है, A1 हमारा 3/8 है, D हमारा 5/8 है। फॉर्मूला लगाया A1 + n-1 D, A2 = A1 है 3/8 + 2-1 D हमारा 5/8 है, A2 = 3/8 + 1 × 5/8, 3/8 + 5/8 इसका एलसीएम लिया है 3 + 5/8 ये 8/8 = 1 आ गया। A1 + n-1 D, A1 की जगह 3/8 पुट किया प्लस 3-1 और D की जगह 5/8 बचो, A3 हमारा आ गया 3 + 10/8 ये आ गया 13/8, A4 पुट किया A1 + n-1 D, A1 ने 3/8 + 4-1 × 5/8, 3/8 + 3 × 5/8, 3/8 + 5 = 15/8 = 15 + 3 = 18/8 ये आ गया 9/4। हमारे पास आंसर आ गया 3/8, 1, 13/8 और 9/4। क्वेश्चन नंबर 2 है, फाइंड द नेक्स्ट 3 टर्म्स ऑफ ईच अर्थमेटिक सीक्वेंस। 3 टर्म मालूम करने हैं, आपको पता है पहला पार्ट है हमारा 5, 8, 13। अब 5 और 9 में फर्क है बेटा 4 का और 9 और 13 में है 4 का, तो 4 का डिफरेंस है 3, वैल्यू मालूम करनी है। 13 में 4 प्लस करेंगे 17, 17 में 4 प्लस करेंगे 21 और 21 में 4 प्लस करेंगे 25। अगला हमारा 3, 14, 17। अब 3 का डिफरेंस चार है, 17 में 3 प्लस करेंगे 20, 20 में 3 प्लस करेंगे 23, 23 में 3 प्लस करेंगे 26। तीसरा पार्ट है 1/2, 3/2, 5/2। आप देख रहे हैं कि डिनोमिनेटर में वैल्यू सेम आ रही है, ऊपर वैल्यू बढ़ रही है 1, 3, 5। 2 का डिफरेंस चार है, 5 के बाद 5 में 2 प्लस करेंगे 7/2, 9/2 और 11/2। पार्ट 3 है इसका -5/4, -1/4 और +2.6। आप इसमें देखिए 5/4 से 1.4 में 4 का डिफरेंस है, -1.4 से 2.6 में भी 4 का डिफरेंस है, आपको नज़र आ रहा है 4 का डिफरेंस है बच्चों। तो 2.6 में 4 प्लस करेंगे 6.6, 6.6 में 4 प्लस करेंगे 10.6 और 10.6 में 4 प्लस करेंगे तो 14.6 आ जाएगा। क्वेश्चन नंबर 3 है, फाइंड द 11 टर्म्स ऑफ अर्थमेटिक सीक्वेंस 0.07, 0.12 और 0.17। ये बुक में एक मिस्टेक है, इधर उसने सिर्फ 0.7 लिखा हुआ है, इधर आप चेंज कर लें, ये आपका आ जाएगा 0.17। डी हमने निकाले, A2 में से A1 को माइनस किया, D = 0.12 - 0.07, ये आपका आ जाएगा 0.05। अब हमने फार्मूला लगा दिया अर्थमेटिक सीक्वेंस का, An = A1 + n-1 D।
अब जो हमने 11 टर्म मालूम करनी है इसकी, तो ए 11 हो गए इक्वल ए 1 प्लस एन आपका 11 माइनस 1 डी आपका 0.05 आ गया। ए 11 इक्वल टू 0, ए 1 हमारा 0.07 है क्योंकि पहली वाली जो होती है वो ए 1 होता है, तो ए 1 हमारा 0.07 है प्लस 10 मल्टीप्लाई 0.05। तो बच्चों इसको दोनों को मल्टीप्लाई किया, इसमें प्लस किया, तो हमारे पास इसका आंसर आ गया 0.57। आगे क्वेश्चन नंबर 4 है, द थर्ड टर्म ऑफ द ए पी इज 14 एंड 9 टर्म इज -1, फाइंड द फोर्थ टर्म द सीक्वेंस। बच्चों थर्ड टर्म ए 3 इक्वल टू 14 आ गया, ए 9 इक्वल टू -1 है। बच्चों ए 3 की हमने इक्वेशन लिखी है ए 1 प्लस 2 डी इक्वल टू 14, ये किस तरह बनी है, ये उसी फार्मूले से बनी है अर्थमेटिक मीन वाले से, ए एन इक्वल टू ए 1 प्लस एन माइनस 1 डी। अब एन हमारा 3 है, 3 में से 1 माइनस होगा तो 2 डी आ जाएगा और पहले ए 1 है इक्वल टू 14। ए 9 की लिखी है तो ए 1 प्लस 8 डी इक्वल टू माइनस 1, 8 किस तरह है 9, एन हमारा 9 है, 9 में से माइनस होगा 1 तो 8 डी आ जाएगा ए 1 इक्वल टू माइनस 1। साइन सबके चेंज कर लिए, ए 1 आपका ए 1 से कैंसिल हो गए, 8 में से 2 जाएगा माइनस 6 डी इक्वल टू 15, माइनस 6 को नीचे डिवाइड किया डी हमारा माइनस 15/6, ये आ जाएगा 5/2 माइनस। अब हमने फोर टर्म मालूम करनी है, तो ए 1 प्लस 2 डी इक्वल टू 14, ए 1 इक्वल टू 2, डी हमारा माइनस 5/2 है, तो माइनस मिस हो गया तो आप लगा लीजिएगा माइनस 5/2 इक्वल टू 14, ए 1 प्लस 2 मल्टीप्लाई माइनस 5/2 इक्वल टू 14। तो बच्चों ए 1 हमारा आ जाएगा 14 प्लस 5 इक्वल टू 19, ए 2 हमारा आ जाएगा 19 प्लस माइनस 5/2 इक्वल टू, इसका एलसीएम निकाले 38 माइनस 5 डिवाइडेड बाय 2 ये आ जाएगा 33/2। ए 3 हमने निकाला, ए 3 में ए 2 की वैल्यू पुट की है प्लस डी की वैल्यू पुट की है माइनस 5/2, ए 3 33/2 माइनस 5 इक्वल टू 28/2 ये आ जाएगा 14। ए 4 में ए 3 की वैल्यू पुट की है प्लस माइनस 5/2 14 माइनस 5/2 इसका एलसीएम लिया 28/-5/2 ये आ जाएगा 23/2। क्वेश्चन नंबर 5 है, फाइंड द अर्थमेटिक मीन ए 17 इक्वल टू माइनस 14, ए 28 इक्वल टू माइनस 73, फाइंड ए एंड डी राइट 5 टर्म्स। बच्चों ए 17 हमारा माइनस 14 है, इसकी हमने इक्वेशन बनाई है ए 1 प्लस 16 डी इक्वल टू माइनस 14, ए 28 की इक्वेशन बनाई है ए 1 प्लस 27 डी इक्वल टू माइनस 73। साइन सबके चेंज कर दिए हमने, ए 1 से आपका कैंसिल हो जाएगा, 17 निकलेगा 27 से माइनस 11 डी आ जाएगा इक्वल टू 33। बच्चों इसको डिवाइड किया डी 33/11 किया तो माइनस 3 आ गया। अब ए 1 प्लस आपका एन माइनस 1 आपका 16 इस पहली इक्वेशन में हमने पुट किया, ए 1 प्लस 16 मल्टीप्लाई माइनस 3 इक्वल टू माइनस 14, ए 1 इक्वल टू माइनस 48 को ठाक दूसरी साइड ले जाएंगे, माइनस 48 इक्वल टू माइनस 14, ये आपका ए 1 इधर आएगा इक्वल टू माइनस 14 प्लस 48 ये इक्वल आ जाएगा 8 की। ए 2 आपका ए 1 प्लस डी, ए 1 आपका है बच्चों 8 और डी आपका माइनस 3 है ये आपका आ जाएगा 5। ए 3 आपका बच्चों ए 2 प्लस डी है, ए 2 आपका आ गया 5 माइनस 3 इक्वल टू 2 आ जाएगा। ए 4 है ए 3 प्लस डी, ए 3 आपका 2 है माइनस डी डी आपका माइनस 3 है तो ये आपका आ जाएगा माइनस 1। ए 5 ए 4 प्लस डी इक्वल टू माइनस 1 माइनस 3 इक्वल टू माइनस 4। बच्चों ये वैल्यू उस फार्मूले से भी मालूम हो सकती है, ए एन इक्वल टू ए 1 प्लस एन माइनस 1 डी से भी आपका मालूम हो सकता है। तो इसका आंसर हमारे पास आ गया 8/5/2 माइनस 1 और माइनस 4। आगे क्वेश्चन नंबर 6 है हमारे पास, द फिफ्थ टर्म ऑफ ए पी इज 19 एंड 11th टर्म इज 43, फाइंड द फर्स्ट टर्म 87 टर्म। ए 5 इक्वल टू 19 है, ए 11 इक्वल टू 43 है, ए 5 की हमने इक्वेशन लिखी है ए 1 प्लस 4D इक्वल टू 19, 11 की लिखी है ए 1 प्लस 10D इक्वल टू 43। अब इनके साइन चेंज कर दिए हैं सबके, ए 1 आपका ए 1 से कैंसिल हो गया, अब 10 में से 4 जाएंगे माइनस 6D क्योंकि बड़ी रकम के साथ माइनस है इक्वल टू 43 में से 19 जाएगा माइनस 24, माइनस माइनस से काट गया आपका डी आपका इक्वल 24/6 इक्वल टू 4। अब बच्चों हमारा डी 4 आ गया, हमने ए 1 प्लस क्वेश्चन में वैल्यू पुट कर दी है, ये क्वेश्चन जो है हमारी है ए 1 प्लस 4D इक्वल टू 19, इसमें वैल्यू पुट की है ए 1 प्लस 4 मल्टीप्लाई 4 इक्वल टू 19, ए 1 प्लस 16 इक्वल टू 19, ए 1 हमारा आ गया 19 माइनस 16 इक्वल टू 3। ए 87 की हमने क्वेश्चन लिखी है
87 इक्वल टू ए वन प्लस 86 डी, क्योंकि एन माइनस वन था, एन 87 है, माइनस वन होगा 86 डी आ जाएगा। ए 87 इक्वल टू ए वन हमारे पास अभी आया, थ्री पुट किए प्लस 86, और डी हमारा फोर आया हुआ है वो फोर पुट किया, थ्री प्लस 86 को फोर से मल्टीप्लाई किया, 344 इन दोनों को प्लस किया तो 347 आ गया। पार्ट नंबर सेवन है हमारे पास क्वेश्चन नंबर, फाइंड द टर्म ऑफ द सीक्वेंस माइनस सिक्स माइनस फोर टू इज 17। ए वन आपका इक्वल है माइनस सिक्स के, डी आपका माइनस, ए टू से माइनस करेंगे आप ए वन को माइनस टू, और माइनस फोर मूल्य का माइनस माइनस प्लस सिक्स हो जाएगा, ये आपका आ जाएगा फोर। ए एन इक्वल टू ए वन प्लस एन माइनस वन डी। अब ए एन आपका बच्चो 17 है, उसका 17 पुट की है, ए वन प्लस एन माइनस वन फोर, इसने हमने फाइंड आउट करना है एन। 17 इक्वल टू ए आपका माइनस सिक्स है, माइनस सिक्स प्लस एन माइनस वन डी आपका फोर है, तो बच्चों माइनस सिक्स उठा के तो लेके आए, 17 प्लस सिक्स इक्वल टू फोर एन माइनस वन, 76 हो जाएगा इक्वल टू फोर एन माइनस वन, फोर को नीचे डिवाइड किया ये आपका 19 आ गया, इधर आ गया एन माइनस वन, माइनस वन को उठा के दिस साइड ले गया, एन इक्वल टू 19 प्लस वन इक्वल टू 20। क्वेश्चन नंबर एट है, विच टर्म ऑफ द सीक्वेंस 5/2 3/2 1/2 अप टू सोन 105/2। ए वन आपका है 5/2, डी आपने निकाला है ए टू से, ए वन को माइनस किया 3/2 माइनस 5/2, इसका एलसीएम लिया 2 आया, 3 माइनस 5 इक्वल टू माइनस 2/2 इक्वल टू माइनस 1। अब बच्चों हमने ए एन हमारे पास है 105/2, तो हमने फार्मूला लगाया ए एन इक्वल टू ए वन प्लस एन माइनस वन डी, ए एन माइनस 105 डिवाइडेड बाई 2, जो जो वैल्यूज ने दी हुई थी हमें इक्वल टू ए वन हमने वैल्यू दी है 5/2 प्लस एन माइनस 1, और डी आपका माइनस 1, माइनस 1 पुट कर दिए, माइनस 105/2 इक्वल टू इधर प्लस 5/2 है तो इधर आके माइनस 5/2 हो गया इक्वल टू एन माइनस 1 मल्टीप्लाई माइनस 1। बच्चों इसका एलसीएम लिया 105 प्लस किया 5 के साथ साथ माइनस का साइन है, माइनस 110/2 इक्वल टू माइनस एन प्लस 1, ये किस तरह है, ये जो माइनस है इसको मल्टीप्लाई किया माइनस एन और प्लस 1, तो बच्चों ये इसकी कटिंग की है, ये माइनस 55 इक्वल टू माइनस एन प्लस 1, प्लस 1 को उठा के दूसरे ले गए माइनस 1 हो गया इक्वल टू माइनस एन, माइनस 56 इक्वल टू माइनस एन, माइनस माइनस से कट गया एन इक्वल टू आपका आ गया 56। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 9, इक्वल एफ 1/a 1/b 1/c आर ए पी शो डैट कॉमन डिफरेंस ए माइनस सी बटा 2ac। ये बी से भी हो जाता है, बुक में बी है और हमने इसे 1/b कर लिया। 1/a, 1/b, 1/c आर अर्थमेटिक मीन, डी आपका ए टू माइनस ए वन, 1/b माइनस 1/a, डी आपका दूसरा डी है 1/c माइनस 1/b। अब दोनों को ऐड करेंगे क्वेश्चन 1 और 2 को, डी प्लस डी इक्वल टू 1/b माइनस 1/a प्लस 1/c माइनस 1/b। अब 1/b 1/b से कट गया आपका माइनस 1/a प्लस 1/c, इधर आ गया आपका डी प्लस डी इक्वल टू 2d इक्वल टू इसका एलसीएम लिया ए सी इक्वल टू सी सी से कट गया ए ऊपर आ गया माइनस ए ए से कट गया तो सी ऊपर आ गए, डी आपका इक्वल हो गया ए माइनस सी डिवाइडेड बाई 2 नीचे चला गया 2ac। क्वेश्चन नंबर 10 है हमारे पास, ड्यूरिंग अ फ्री फॉल ऑफ द स्काई ड्राइवर फॉल 16 फीट इन सेकेंड फर्स्ट सेकेंड, 48 फीट इन सेकेंड सेकेंड एंड 18 फीट इन थर्ड सेकेंड, इफ ही कंटिन्यूज टू फॉल एट दिस रेशो हाउ मैनी फीट विल बी फॉल ड्यूरिंग 8 सेकेंड। हमने इसकी रेशो लिख दिया 16, 48, 18 अप टू सोन। ए वन हमारे पास आ गया बच्चों उसमें 16, डी हमने निकाला ए टू में से, ए वन को माइनस किया हमारे पास 32 आ गए, हमने फार्मूला लगाया ए एन इक्वल टू ए वन प्लस एन माइनस वन डी। अब एन हमारे पास उसने 8 सेकेंड का है तो एट हो गया इक्वल टू ए वन आपका 16 है प्लस 8 माइनस 1 मल्टीप्लाई 32, ए 8 इक्वल टू 16 प्लस 7 मल्टीप्लाई 32, ए 8 आपका आ गया 16 प्लस, इन दोनों को मल्टीप्लाई किया 2, 2, 4 इन दोनों को प्लस किए तो हमारे पास 240 आ गए। अब क्वेश्चन नंबर 11 है, एफ रुपीज 1000 इज सेव अगस्त इन 1, 3000 इन अगस्त 2 एंड 5000 इन अगस्त 3 एंड ऑन 50 हाउ मच इज सेव अंटिल अगस्त 20। हमने सीक्वेंस बना लिया 1000, 3000, 5000 अप टू सोन। ए वन हमारे पास 1000 है, डी हमारा 3000 माइनस 100 किया, ए टू माइनस ए वन तो 2000 आ गया। बच्चों ए एन का फार्मूला लगा दिया ए वन प्लस एन माइनस वन डी। अब हमने 20 अगस्त तक मालूम करना है तो ए 20 हमारे पास हो गया एन 20, ए वन हमारा 1000 है प्लस 20 माइनस वन मल्टीप्लाई
200, 820 इक्वल टू 1000 प्लस 90 मल्टीप्लाई 2000, 1000 प्लस 38000, इधर को पास करेंगे 39000, बुक में इसका आंसर 40000 है तो वो आंसर रॉन्ग है, इसका आंसर आपका आएगा 39000। क्वेश्चन नंबर 12 है, अ गार्डनर इज मेक अ ट्राइंगल प्लांटिंग इन 35 प्लांट इन फर्स्ट रो, 31 इन सेकंड रो, 27 इन थर्ड रो, इफ द पैटर्न इज कंसीडर हो मच प्लांट विल बी 8 रो। पहले हमारा 35, दूसरा 31, तीसरा 27, अब हमने 8 तक मालूम करना है। A1 35, D हमने मालूम करना है, A2 माइनस A1, 31 माइनस 35 इक्वल टू माइनस 4। हमने अर्थमेटिक सीक्वेंस का फॉर्मूला लगाया, An इक्वल टू A1 प्लस N माइनस 1 D। अब A 8 है इक्वल टू A1 आपका 35 है प्लस 8 माइनस 1 मल्टीप्लाई माइनस 4, A 8 इक्वल टू 35, जे 7 मल्टीप्लाई 34, A 8 इक्वल टू 35 माइनस 28 इक्वल टू 7, हमारे पास आंसर आ गया। अब आगे क्वेश्चन नंबर 13 है, 5 अर्थमेटिक मीन बिटवीन 7 एंड 17, अर्थमेटिक मीन का फॉर्मूला है A प्लस B डिवाइडेड बाई 2, अब पहला A है दूसरा B है, 7 प्लस 17 डिवाइडेड बाई 2 इक्वल टू 24 डिवाइडेड बाई 2 इक्वल टू 12 आ गया, दूसरा हमारे पास 3 प्लस 3 अंडर रूट 2 आ रहा है एंड 7 प्लस माइनस 3 अंडर रूट 2 आ गया, अर्थमेटिक मीन हमारे पास 3 प्लस 3 अंडर रूट 2, 7 प्लस माइनस 3 अंडर रूट 2, 3 डिवाइडेड बाई 2, 3 अंडर रूट 2, 3 अंडर रूट 2 से काट गया, 3 प्लस 7 इक्वल टू 10 बाई 2 इक्वल टू 5। क्वेश्चन नंबर 3 है, 3 अंडर रूट 5 एंड 5 अंडर रूट, अब इनको प्लस करना है, 7 अंडर रूट 5 प्लस अंडर रूट 5 डिवाइड बाई 2, 7 और 1 8 अंडर रूट 5 डिवाइड बाई 2, उसकी कटिंग करेंगे 4 अंडर रूट 5 आ जाएगा। आगे हमारे पास है 2y प्लस 5 एंड 5y प्लस 2, वही फॉर्मूला लगाया अर्थमेटिक मीन का, 2y प्लस 5 प्लस 5y प्लस 3 डिवाइड बाई 2, 2 प्लस 7 5 7y डिवाइड बाई 2 4 8 डिवाइड बाई 2, 8 के स्थान पे 5 प्लस 3 इक्वल टू 8 बाई 2, ये हमारा आ गया 7 बाई 2y प्लस 4। क्वेश्चन नंबर 14 है, फाइंड बी इफ 10 इज अर्थमेटिक मीन बिटवीन बी एंड 20, अर्थमेटिक मीन का फॉर्मूला हमने लगाया है, अर्थमेटिक मीन इक्वल टू बी प्लस 20 डिवाइड बाई 2, अब बी हमारा जो 10 इक्वल टू बी प्लस 20 डिवाइड बाई 2, 2 को मल्टीप्लाई किया 20 हो गया इक्वल टू बी प्लस 20, तो बी 20 को ठाक दूसरी साइड ले गए तो 20 माइनस 20 इक्वल टू 0 आ गया हमारे पास, बुक में इसका आंसर 30 है तो वो आंसर रॉन्ग है। क्वेश्चन नंबर 15 है, फाइंड एक्स एंड वाई इफ 2 एंड 13 आर 2 अर्थमेटिक मीन बिटवीन एक्स एंड वाई, पर जो 2 और 13 को हमने दरमियान में रखा है और इसके कोनों में हमने एक्स और वाई को रख दिया, अब इसमें अर्थमेटिक मीन हमने फाइंड आउट करना है बच्चों, ये हमने एरो से बता रहे हैं आपको, जो दरमियान में आ रहा है वो आपका अर्थमेटिक मीन है इक्वल टू एक्स प्लस 13 डिवाइडेड बाई 2, 2 को 2 से मल्टीप्लाई आप करेंगे तो ये आपका 4 हो जाएगा, 4 इक्वल टू एक्स प्लस 13, 13 को ठाक दूसरी साइड ले जाएंगे माइनस 13 हो जाएगा, आपका एक्स इक्वल आ जाएगा माइनस 9। अब दूसरी वैल्यू है वाई की वैल्यू भी हमने मालूम करनी है, तो बच्चों इसी तरह जो दरमियान में वैल्यू आ रही है ऊपर रेशो में देखिए 13 वो उसका हमने अर्थमेटिक मीन की जगह लिख दिया इक्वल टू 2 प्लस वाई डिवाइडेड बाई 2, 2 13 से मल्टीप्लाई हुआ है इक्वल टू 2 प्लस वाई, ये 26 इक्वल टू 2 प्लस वाई, अब आपका 2 उठा दूसरी साइड ले जाए तो वाई इक्वल टू आपका आ जाएगा 24। क्वेश्चन नंबर 16 है हमारे पास, फाइंड द 2 अर्थमेटिक मीन बिटवीन 5 एंड 17, अर्थमेटिक मीन हमने 2 पुट किए 5 ए 1 ए 2 17, ए 1 हमारा 5 है, ए 4 इक्वल टू 17, देखें ए 4 किस तरह बनना है, ए 1 ए 2 ए 3 और ए 4, ए 4 का हमने इक्वेशन लिख ली है, ए 1 हमारा 5 है, 5 प्लस 3 डी इक्वल टू 17, 5 डी प्लस 3 डी इक्वल टू 17, 5 को टाक दिस ले गए 3 डी इक्वल टू 17 माइनस 5 आ गया, 3 डी इक्वल टू 12, 3 को नीचे डिवाइड किया डी इक्वल टू 4। अब ए 1 है, ए वन आपका ए टू की जगह आ रहा है, ए टू का फॉर्मूला आप लगाएंगे, ए टू इक्वल टू ए वन प्लस डी, ए वन इक्वल टू ए वन शुमार है हमारे पास 5 प्लस डी हमारा 4 आया, दोनों को प्लस करेंगे 9। अब ये वाला ए टू आपको देख सकते हैं कि ये ए थ्री की जगह आ रहा है, ए थ्री की इक्वेशन बनेगी ए थ्री इक्वल टू ए वन प्लस टू डी, ए वन आपका है बच्चों, ए वन आपका 5 आया हुआ है दिया इसने, ये 5 प्लस 2 और डी की जगह हमने 4 पुट की है, 5 प्लस 2 4 ज़ार 8 इन दोनों को प्लस किए तो 30 आ गए। क्वेश्चन नंबर 17 है, फाइंड द 3 टर्म अर्थमेटिक मीन बिटवीन 2 एंड माइनस 18, अब 5 3 में हमने वैल्यू पुट करनी है 2 a1 a2 a3 माइनस 18, a1 हमारे पास आ गया 2,
ये फाइव पे है, ए फाइव हमारा आ गया माइनस 18। ए फाइव के क्वेश्चन हमने लिखे है वन प्लस एन माइनस वन डी, ए फाइव हमारा 18 है तो माइनस 18 इक्वल टू ए वन प्लस फाइव माइनस वन डी, माइनस 18 इक्वल टू टू प्लस फोर डी आ गया आपका। टू को ठाक दूसरे ले गया माइनस 18 माइनस टू इक्वल टू फोर डी, माइनस 20 इक्वल टू फोर डी, फोर को नीचे डिवाइड किया डी हमारा आ गया माइनस फाइव। ए वन आपको देख रहे हैं तो ये टू की जगह रेस्ट की क्वेश्चन लिखेंगे, ए वन इक्वल टू ए वन प्लस डी, तो ए वन हमारा टू है, ए वन की जगह टू पुट कर दिया प्लस डी, डी हमारा माइनस फाइव है, टू माइनस फाइव इक्वल टू माइनस थ्री। ये वाला ए टू आपका थ्री की जगह आ रहा है तो वो क्वेश्चन लिखेंगे ए वन प्लस टू डी, ए वन हमारा बच्चों है टू प्लस टू मल्टीप्लाई माइनस फाइव, क्योंकि माइनस डी हमारा माइनस फाइव है, टू माइनस टेन इक्वल टू माइनस एट आ गया, ए थ्री इक्वल टू टू प्लस थ्री डी, टू प्लस थ्री डी की जगह माइनस फाइव पुट किए, टू माइनस 15 ये आ गया माइनस 30। बच्चों मुझे उम्मीद है कि आपको ये एक्सरसाइज समझ आई होगी, तो बच्चों हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी करें और शेयर भी करें और लाइक भी करें, और मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।